प्रॉब्लम 7 में एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों जो फ्रीली रोटेट करता है ना फ्री स्पेस पे, इस तरह समझ लो इसको, ये रही इसकी सिमेट्रिक एक्सिस। रेडियस कह रहा है इसका इंक्रीज कर दो और मास को सेम रहने दो, मतलब रेडियस की वैल्यूज बढ़ानी है और मास को कांस्टेंट रख करके पढ़ाई करनी है। कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है वो बताना है। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम होता है कैपिटल एल, इसको आई ओमेगा से देखते हैं, आइए इन दोनों को आगे पढ़ते हैं पहले। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है के ऑफ आर, ये हो जाएगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, अगेन इन दोनों पे डिपेंडेंसी आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है इसका मतलब है इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, ये हो जाएगा वी बाय आर, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा का टर्म भी बच्चों चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप आर को बढ़ा रहे हो तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है अपन को, ये बढ़ रहा है और ये चीज़ कम हो रही है, सेम रेशियो से है ना, सेम प्रोपोर्शन से। तो उसके हिसाब से ये समझ में आना चाहिए कि ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट और यहाँ स्क्वायर का प्रपोर्शन है, तो आप कह सकते हो कि ओमेगा ज़्यादा ही कम होगा और इनर्शिया बढ़ रहा होगा, मतलब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और यही अपना आंसर है, ऑप्शन वन इसका सही होगा। और लिख देंगे अपन एल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से आई ओमेगा होता है, एक आदमी बढ़ रहा है एक आदमी कम हो रहा है, तो ये तुम लोगों का आंसर है।